हे गाइस, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आशीष क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 4 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर वैल्यू वाले वीडियो को अगर नहीं देखें तो जाकर के ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें से बहुत ही आसान तरीके से बताया गया कि आप आसान तरीके से किसी भी वैल्यू साइन कॉस टेन किसी का भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं बिना याद किए हुए भी। तो वीडियो को जाकर जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि नई नई वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो को सॉल्व करने से पहले आपको हम बता देते हैं कि सबसे पहले आप वैल्यू को याद कर लीजिए। वैल्यू को जब तक से याद नहीं रखेंगे तब तक से आपका कोई भी क्वेश्चन हल नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखें, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। कितना? 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? कॉसेक, और यहाँ पे 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। 2/√3 सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? देखिए यहाँ पे सेक 30 डिग्री का मान यहाँ पे होता है 2/√3। 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? देखिए यहाँ पर कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? यहाँ पर 1 होता है। चलिए सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, देखिए बाटा में वन है तो सबसे पहले बाटा का जोड़ निकालते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, तो 2, 1, 8, 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 2√3 एलसीएम होगा। 2 से 2 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, 3√ बचेगा तो यहाँ पर 3√ हो जाएगा। 1 है, 1 कटेगा तो यहाँ पर 2√3 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना हो जाएगा। माइनस 3√3 कट जाएगा बचेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4। अब नीचे आते हैं हम लोग, इसके आप ही नीचे वाले कैल्शियम निकाल लेंगे, 2√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3√3 कट जाएगा बचेगा क्या? 2, 2 दूनी 4 प्लस 2, 2 कट जाएगा बचेगा क्या? 3√3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 हो जाएगा। प्लस इसमें इतना से डिवाइड करेंगे इतना हो जाएगा, इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। समझिए, देखिए ये वाला और ये वाला दोनों कट गया, बचा क्या? ये वाला और ये वाला। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। देखिए 3√3 प्लस 2√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3 प्लस 2√3। हम देखिए यहाँ पर ये भी 3√3 है और ये भी 3√3 है, इसके सामने 1 है, इसके सामने 2 है, तो 2, 1, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे में क्या लिखेंगे? 3√3, आप लोग समझ रहे हैं, 3√3 प्लस 5√3 है मान लेते हैं। तो यहाँ पर 1 छुपा रहता है और यहाँ पर 5 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ये जो 3√3 है यहाँ पर 3√3 लिख देंगे, समझ गए। इस तरह से आपको यहाँ पर करना है, 1 है 2 है 3 हो गया और 3√3 को 1 से हम लिख देंगे, माइनस 4 हो जाएगा। 4 यहाँ पर भी लिख दिए, यहाँ पर ये देखेंगे 3√3 है, यहाँ पर भी 1 है 2, 3 हो जाएगा और 3√3 हो जाएगा। समझ गए होंगे, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। अगर इसके बारे में नहीं जानते 9th क्लास में हर का परिमेयकरण आप बहुत अच्छा तरीके से पढ़े भी होंगे। देखिए तो देखिए यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर नीचे वाले का जब रूट में रहता है तो इसको हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, तो 3√3 माइनस 4 बटा में 4 प्लस 3√3, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये प्लस है
तो 4 - 3√3 यहाँ पर माइनस में आता है, यहाँ नीचे भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी मल्टीप्लाई होगा उतना से, समझ गए, हर के परिमेयकरण में यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुना करते हैं, इसमें और इससे गुना करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पर 3√3 × 4 देखिए ये ना हम लोग का, देखिए 3√3 ये वाला पोर्शन, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर देखिए, तो ये वाला बाहर है, ये वाला भी बाहर है, तो 4 × 3 कितना हो गया 12√3, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया, अब इससे फिर इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3√3 × 3√3 तो 3 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और √3 से √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, पहले भी बताए थे यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं क्या है 12√3 अभी यहाँ पे है, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 27 आ गया। अब इसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा। अब इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बारी बारी से सब में करेंगे तो इससे इससे करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 × 3 = 12√3, क्योंकि √3 जो रूट में रहता है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट में रहेगा तभी रूट वाले से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी और ये माइनस बी है, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, और तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 3 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो यानी कि 16 - 27, समझ गया। अब इस तरह से आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। अब आगे चलते हैं, हम लोग क्या करना है इसमें, देखिए ये एक प्लस में है और एक दोनों तो प्लस में ही, चलिए दोनों को अब जोड़ेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 12 कितना 24 हो जाएगा, √3 हो जाएगा माइनस 43 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर 43 होगा, और यहाँ पर इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 होगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए माइनस हमेशा नीचे नहीं रहता, ऊपर में चला जाता है, तो चलिए इसको ऊपर में भेज देते हैं, तो यहाँ पर ये माइनस ऊपर, यहाँ प्लस है माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा 24√3 माइनस है क्या हो जाएगा प्लस 43/11, 43 को इधर लिख देंगे क्योंकि जो प्लस में रहता है, सॉरी 43 हो गया ये वाला, सॉरी यहाँ पर ये माइनस है तो 24√3/11 ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इसको सोल्व करने में, आशा करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल का और यहाँ पर इंस्टाग्राम चैनल का इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया गया, वहाँ से हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपको फिर से अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो फिर से आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना।